हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद वाला व्लॉग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जो कि है आप देख सकते हैं ये रहा मधुबन का गेट। और अब मैं यहां से एंटर होने वाला हूं। मैं जा रहा हूं बॉक्स स्ट्रीट के अंदर, जो कि मधुबन के अंदर खुला है। तो देखते हैं वहाँ पर नया क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं एंटर हो चुका हूँ, और देखिए शाम का नज़ारा है, कितना खूबसूरत है शाम का नज़ारा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। एक इन्होंने अपना ग्राउंड बनाया है अभी रोड पे। और अभी थोड़ा सा आगे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे एक एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है, टोल नाके का एडवर्टाइज़मेंट हो रहा है यहाँ पर। उसी के लिए तैयारी हो रही है पूरी की पूरी। आप देख सकते हैं पूरी वैनिटी वैन वगैरह सब खड़ी है यहाँ पर, और ज़ोर शोर से तैयारी हो रही हैं एडवर्टाइजमेंट की। और सामने ही ये आप आ गया है घर हो तो ऐसा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लॉटिंग जो करके रखी है वो रश्मि ने ही करके रखी है, घर अपने दम पर। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ बॉक्स स्ट्रीट पे। आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा बॉक्स स्ट्रीट, और मैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ हम एंटर होने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं बॉक्स स्ट्रीट में आ गया हूँ, और ये शाम तकरीबन 6 बजे का वक्त हो चला है, 5:45 हो रहे हैं। और अभी मैं यहीं से एंटर होने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप ये जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब कंटेनर हैं, जो कि ऑफिस के तौर पे और शिपमेंट में जो आते हैं, ये जो अपना पानी के जहाज़ से जितने भी शिपमेंट होता है, अपना कारोबार होता है, ये सब वही कंटेनर हैं जिनको अच्छे से सजाया गया है, इनको एक लुक दिया गया है एंटिक बनाने के लिए, ताकि पब्लिक का अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़े यहाँ पर। जितने भी हैं, ये ऊपर भी कंटेनर ही रखा हुआ है यहाँ पर, सब कंटेनर को डिज़ाइन किया गया है, उन पर पेंट किया गया है। आप ये देख सकते हैं CSB। सबसे पहले ही यहाँ पे मैं एंटर हुआ हूँ, तो यहाँ पे खुला है ये चाय सुट्टा बार। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए चाय सुट्टा बार खुला हुआ है यहाँ पर। और चाय सुट्टा बार इसका मतलब, यार सुट्टा मतलब तो वो भी होगा ना, चरस गांजा भी यहाँ पे मार सकते हैं, लेकिन अपने को क्या मतलब। और इससे मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये लिखा हुआ है बिस्ट्रो बॉक्स, और यहाँ तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ मिलता भी है या नहीं। अभी मुझे लग रहा है ये ओपनिंग हुआ नहीं है। और मैं अभी यहाँ अंदर राइट मुड़ा हूँ, तो मैं अंदर चल रहा हूँ और कुछ देखते हैं। ये जो सामने मेरे को ये खुला है रोल्स एंड कोल्स, आप देख सकते हैं, और यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे ज़बरदस्त रोल्स मिलेंगे आपको। लेकिन आप ये देखें कंटेनर का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया है, क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है जिसने भी की है। कंटेनरों को अच्छे से डिज़ाइन किया है और उन्हीं को शॉप में तब्दील किया गया है। ये जो ट्रांसफार्मर आप जिम देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में मुझे लगता है जब मधुबन के अंदर और भी बिल्डिंग्स बन जाएंगी, जैसे कि अंडर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहने वाली है, और ये एक पिकनिक स्पॉट हो जाएगा लोगों का। ये भी देखिए, ये भी कंटेनर पे ही इन्होंने पेंटिंग की है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर, खर्चा तो अच्छा खासा किया है यहाँ पर। ये टॉयलेट बाथरूम है, आप जा सकते हैं यहाँ पर, लेडीज एंड जेंट्स दोनों हैं यहाँ पर। और देख सकते हैं यहाँ अदनान घूम रहा है। आप वो जो सेक्शन देख सकते हैं, वहाँ ऊपर कोई एक लड़का बैठा है और विंडो बनाई गई है, ये भी कंटेनर ही है। ये भी कंटेनर को डिज़ाइन करके एक फर्स्ट फ्लोर का इस रूप दिया गया है। और इसका जो फ्रंट है ये ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और फ्रंट पे ही लिखा है इसके ईस्ट एंड कोस्ट, और ये है बैठने की जगह यहाँ पर, और यहाँ रिदा और हम्माद दोनों मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर दोनों बच्चे। आप वो देखिए, उधर एक लड़का लड़की सेल्फी ले रहे हैं, अब फोटोग्राफरी चल रही है यहाँ पर। पता नहीं अपने आप को दोनों नक्शे क्या समझ रहे हैं, जैसे पता नहीं कहाँ अमेरिका कैलिफोर्निया में आ गए हैं। और
ये देखिए यहाँ पे ये एक खोला गया है जहाँ पे आके आप फुटबॉल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। एक ग्राउंड बनाया गया है खेलने के लिए, जो कि जिसके लिए पैसा लगता है। यहाँ पर ये बहुत ज़बरदस्त बनाया गया है, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो यहाँ पर फुटबॉल खेलने आना चाहते हैं। और पीछे ये बिल्कुल खाली है, ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है। और अभी मैं यहीं से आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। और ये मैं ऊपर आ गया हूँ, आप देखिए, और दिख रहा है यहाँ से ट्रांसफार्मर जिम। और ये देखिए सामने जो आपको रेडी जो दिख रही है आपको, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, वो रिलायबल की बिल्डिंग है, वो जो आपको येलो कलर की सबसे मेरे राइट साइड में जो दिख, आपके राइट साइड में जो दिख रही है वो रिलायबल है, जो कि सबसे पहले यहाँ पे तैयार की गई बिल्डिंग थी। जब ही मधुबन के अंदर कुत्ता भी जल्दी से नहीं आता था, तब यहाँ पर ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बन चुकी हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और मुझे लग रहा है यहाँ पर छावा और अपनी सेटिंग को लेके पब्लिक बहुत आएगी, उनका नैन मटक्का बहुत चलने वाला है यहाँ पर। कॉलेज जिससे बंक मार मार के, ये उनका एक ज़बरदस्त पॉइंट हो जाएगा मिलने मिलाने का। और ये देखिए टाइटैनिक पहाड़ का सीन, ब्लैक जैक तो आ चुका है लेकिन रोज अब तक आई नहीं है, पता नहीं कहाँ मर गई, सॉरी जहाज का सीन। Oh, let me up with a bright smile on now. Me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. वैसे ईस्ट एवोशाइन गेट के सामने उतरकर आप अंदर जाएंगे और राइट साइड मुड़ेंगे तो आपको मधुबन का गेट दिख जाएगा, बस वहीं पर है ये। तो बस वीडियो को एंड करने का वक्त हो चला है, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मुझे कोई सुझाव देना है तो कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।